हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे गैब्रियल इंडिया की। तो पहले हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल्स की, फिर आते हैं चार्ट पे और डिसाइड करते हैं कि हम लोग को इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम लोग कंपनी की बात करें कि फंडामेंटली करती क्या है, मतलब इन बिजनेस क्या है कंपनी का, तो ऑटो एंसिलरी कंपनी है और इनका मेन जो मतलब सेल्स है वो डिपेंड करता है ऑटोमोबाइल्स की सेल्स से, डिमांड पे और इन सब चीज़ों पे। अगर डिमांड कम होगी उनकी तो इसकी प्रोडक्ट्स की डिमांड भी कम होगी। बहुत सिंपल चीज़ है। हालांकि यहाँ पे एंसिलरी कंपनीज में इन्वेस्ट करने या पैसा लगाने का फ़ायदा हमें ये मिलता है कि थोड़ा सा हम लोग पहले डिमांड हमको पता चल जाती है, मतलब उनके स्टॉक से या उनकी, मतलब मान लेते हैं टाटा मोटर्स की और महिंद्रा की, इनकी अगर कंसोलिडेटेड डिमांड देखिए, अगर थोड़ी बहुत कम हो रही है, अगर हम लोग को एक ट्रेंड पता चल रहा है, तो उन स्टॉक्स पे पहले असर आएगा, इन पे थोड़ा सा रिलेटिवली कम आता है या थोड़ा सा बाद में आता है। तो ये एक एडवांटेज होता है एंसिलरी कंपनीज का। अगर बात करें इनके प्रोडक्ट्स के बारे में, तो सस्पेंशंस बनाते हैं ये, फ्रंट फोर्क्स बनाते हैं टू व्हीलर के लिए। फ्रंट फोर्क्स, अगर ये देख के इमेज आपको समझ में आ रही हो, फ्रंट फोर्क से होता है सामने वाले टायर के अंदर लगता है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी रेलवेज को भी ये केटर करते हैं, मतलब रेलवेज के लिए सस्पेंशन बनाते हैं शायद, तो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका। इमेज वाइज बहुत ज़्यादा, मतलब लिखा तो है सस्पेंशन बनाते हैं, बट इमेज वाइज हमें नहीं लग नहीं रहा है कि बहुत करेक्ट है, क्योंकि ये ऐसी सस्पेंशन हमने ट्रेन में देखी नहीं है। थोड़ा सा साइड से देखता है अगर आप लोग कभी नोटिस किए हो तो। खैर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, अगर लिखा है तो मेरा काम है मानना, और क्या कर सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे लिखी है 2588 की, तो मतलब ये एक स्मॉल कैप में आता है अभी। स्टॉक की वैल्यूएशन इंडस्ट्री की पी की कंपेयर करें, स्टॉक की पी कंपेयर करें, बुक वैल्यू और करंट प्राइस ओवरऑल देखें तो स्टॉक की वैल्यूएशन ठीक ठाक है। प्रमोटर्स होल्डिंग ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही एवरेज है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15 के ऊपर होती तो अच्छा मानते हैं। सेल्स ग्रोथ कंपनी की थोड़ी सी फ्लैट है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी खासी है, मार्जिन थोड़ा सा कम है। डिविडेंड कंपनी ओके ओके पे कर रही है, और कुछ यहाँ खास देखने वाली बात नहीं है। एक बार डेट और रिजर्व देखेंगे तो कंपनी के डेट ऑलमोस्ट ना के बराबर, मतलब डेट फ्री है कंपनी, रिजर्व्स कंपनी के अच्छे खासे मेंटेन है। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात करें, सेल्स बढ़ा है यहाँ पे, मार्जिन बराबर है, और ओवरऑल देखें तो नेट प्रॉफिट के अंदर एक इंक्रीमेंट देखने को मिला है। सेल्स वाइज देखिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर ऑन ईयर तो बहुत ज़्यादा सेल्स नहीं पड़ी है। 963 से आज देखें 2814 तक पहुंची है, तो सेल्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। मार्जिन के अंदर मार्जिन भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फ्लैट है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ है, लेकिन वही चीज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें फंडामेंटल्स, तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, बहुत तेज़ी से इनका नेट प्रॉफिट और सेल्स और मार्जिन नहीं बढ़ा है, लेकिन कई मामलों में कंपनी के बिजनेस है जो है, कंपनी का ऑपरेशन जो है वो स्मूथली चल रहा है, फंक्शन करने वाली कंपनी है, स्मूथ फंक्शन कर रही है। प्रमोटर्स देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ से 3% से बढ़ी है, जो अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है। FIs की होल्डिंग कम हुई है काफ़ी हद तक, DIs की होल्डिंग बढ़ी है, काफ़ी बढ़ी है यहाँ पे। पब्लिक की होल्डिंग ओवरऑल सेम है, तो FIs DIs के बीच में हम कह सकते हैं हैंड टू हैंड एक्सचेंज हुआ है। FIs की कम हुई है, DIs की बढ़ी है, और ओवरऑल देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ी है, जो हमें कहते हैं कि अच्छी न्यूज़ है। यहाँ पे देखेंगे ओवरऑल तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा था, या हम लोग कह सकते हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया बॉटम से, वैसे तो राउंडिंग बॉटम है, लेकिन देखेंगे नीचे तो यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इन लेवल से हम कहेंगे कि यहाँ से हम लोग अभी बाय कर सकते हैं, अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है। अगर रिटेस्ट करने आता है तो बहुत लकी हो जाएंगे आप लोग, नहीं तो यहाँ तक टारगेट्स को कोई रोक नहीं रहा है, यहाँ तक टारगेट्स के लिए यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है नहीं, तो हमें लगता है कि ये टारगेट बहुत जल्दी हम लोग को अचीव हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा हम लोग को दुविधाएं नहीं आनी चाहिए। यहाँ से यार टारगेट जो हम लोग को मिलेंगे वो है यहाँ पे 24% के आसपास का, तो अगर 1-1.5% ऊपर खुलता है तब भी 20% आराम से इसके अंदर निकाला जा सकता है। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लगाने की जरूरत नहीं है, स्टॉप लॉस जहाँ से ये कैंडल रनअप दी है, तो वैसे तो प्रॉपरली अगर देखा जाए तो स्टॉप लॉस हम लोग को यहाँ लगाना चाहिए, बट क्योंकि एक रनअप मिल चुका है तो बहुत बड़ा हम लोग को बड़ा स्टॉप लॉस लगाने का मन नहीं है, तो ना ही लगाने के लिए हम रिकमेंड करेंगे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस। सिंपल यहाँ पे लगाएंगे इन लेवल्स, ये कंसोलिडेट किया हुआ है तो इन लेवल्स के नीचे आता है तो आप स्क्वायर अप कर देंगे। यहाँ पे जैसे ये छोटा सा देखेंगे नॉट बनाया हुआ है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, तो इसको थोड़ा सा एक थोड़ा सा यहाँ पे हमको लगता है कि अगर नीचे आएगा तो सपोर्ट ले सकती, तो अगर इन लेवल्स पे आते हैं तो एग्जिट कर जाएंगे हम लोग फिर 156.2 पॉइंट पे। टारगेट रखेंगे 221 का। तो अगर अच्छी लगी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, कोई प्रॉब्लम हो कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, रिप्लाई जरूर मिल जाएगा आपके क्वेरीज को। और इसी के साथ चलेंगे,
अपना कैपिटल सेफ रखना। ओके बाय।